तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। रोहित जी, इन्होंने जो बात कही कि मंदी नहीं है, ये बोल रहे मंदी है ही नहीं, ये वैश्विक असर है। मैं आपको अर्थशास्त्र का थोड़ा बहुत, मेरे को जानकारी है, मैं अपने आप को विद्वान नहीं मानता हूँ, मोदी जी है विद्वान अर्थशास्त्र के, तो मैं अर्थशास्त्र की जानकारी के नाते आपको बताना चाहता हूँ, इस सदी की सबसे भयंकर मंदी वैश्विक 2008 में आई थी, आप चेक करिएगा, और भारत पे इसकी आंच तक नहीं आई। क्यों नहीं आई आपको पता है? क्योंकि जो भारत का नेतृत्व कर रहे थे ना उस समय प्रधानमंत्री, वो अमेरिका जाके हाउडी करने नहीं जाते थे, वो वहां जाके बोलते थे कि न्यूक्लियर डील साइन करो और देश को एनर्जी सिक्योरिटी प्रदान करो, वो हाउडी करने नहीं जाते थे, वो देश के लोगों के किस तरह व्हाट आई कैन डू वो सोचते थे, हाउ डू यू डू नहीं पूछते थे, व्हाट आई कैन डू दैट वाज हिज क्वेश्चन। वो अंतर था इनमें और उनमें। दूसरी बात, आपको गए साहब प्रधानमंत्री जी हाउडी भी करने गए, कोई बात नहीं, हमारा करदाताओं का पैसा है, भारत के प्रधानमंत्री चुने हुए जा सकते हैं, हवाई जहाज लेके कहीं भी जा सकते हैं, गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गुड़गांव और फरीदाबाद में इतनी आईटी इंडस्ट्री है, हमारे ये नौजवान जो बैठे हैं इनकी नौकरी की वहां संभावना है। आपको पता है H1B वीजा का रिजेक्शन पिछले 5 साल में 400% बढ़ा है, तो मोदी जी ने क्यों नहीं बोला? मोदी जी के तो दोस्त है ना ट्रंप, है ट्रंप, What is the reason? What is the reason? मोदी जी ने क्यों नहीं बोला? Hey Trump, what is the reason of the increase in H1B visa rejection? वो नहीं बोला उन्होंने, वहां जाके उन्होंने एक बात बोली, अब की बार वो ट्रंप के लिए बोल रहे हैं वहां पे, वो बोल के आए। अब आप ये बताइए, अब मान लो ट्रंप साहब हार जाए चुनाव, तो जो व्यक्ति जीतेगा उसके मन में भारत के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा? ये के काम इन्होंने इसराइल के साथ, नेतन्याहू के साथ किया, वो अब चुनाव में निपट गए वहां पे, तो अब नया आदमी आ रहा है वो भारत को शंका की नजर से देखता है, पर कोई क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो अपना कद बढ़ाने में लगे हुए हैं। अरे हाउडी करो, वहां पे 50,000 आदमी आए भाड़े के पैसे देके, जो भी आए अच्छा किया, तालियां बजी, अच्छा किया, पर कुछ काम तो करके आते। एक बार तो ये पूछ लेते कि मेरे बासमती की राइस की जो खेप अमेरिका लौटा रहा है, कश्मीर की सेब की खेप के खेप लौटा रहा है, ये कहके कि पेस्टिसाइड ज्यादा है, उससे पूछा, हे ट्रंप, Why you had rejected my basmati rice? No, ये नहीं पूछी, ये बात नहीं पूछी। क्या उनसे उनसे एक एक छोटी सी बात, क्योंकि अर्थशास्त्र के जानकार कई लोग हैं। फिर वहां पे अमेरिका से आने वाला एक, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक हमारे यहां 1979 से अमेरिका इंपोर्ट करता था चीजें ड्यूटी फ्री, जनरलाइज्ड ड्यूटी फ्री हमको एग्जेम्पशन था, वो मात्र दो महीने पहले भारत का नाम उस लिस्ट से निकाल दिया गया, जिसको जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस कहते हैं, GSP, आप सर्च करिएगा। क्यों निकाल दिया? ट्रंप से पूछा, हे मिस्टर ट्रंप, व्हाई माय नेम इज नॉट देयर इन दिस लिस्ट? नहीं पूछा। सुधांशु जी, जवाब, हम वो लोग हैं आज भी बोलते हैं कि कश्मीर हमारा मसला है, हम ट्रंप जब बोले मोदी जी के सामने कि आई एम रेडी फॉर मीडिएटर, आई एम ए गुड मीडिएटर, मोदी जी को पूछना चाहिए, हे मिस्टर ट्रंप, हु आर यू टू मीडिएट? पर वहां नहीं बोले मोदी साहब, सुनते रहे कि ट्रंप बोलता रहा कि मैं कश्मीर मसले पे मीडिएशन करने को तैयार हूं, मैं बहुत अच्छा मीडिएटर हूं, पर मोदी जी से नहीं बोला गया। अरे दोस्ती होती ना तो हाथ पकड़ के खींच लेते, ए इधर आजा भाई, ये कोई मीडिएशन नहीं होगा, ये दोस्ती होती। ये कौन सी दोस्ती है कि आप जब उनकी तारीफ करें, ओके ही इज माई गुड फ्रेंड, ताली बजाओ, ये कौन सी दोस्ती है कि भारत का अहित कर रहा अमेरिका, अहित पे अहित, हमारे लोगों को वीजा नहीं मिल रहा है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 400% वीजा का रिजेक्शन बढ़ा है, ऑन रिकॉर्ड। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।